विवम नगर में रोड के बीचों बीच बनाए गए कूड़ेदान को हटाए जाने की मांग प्रशासन ने मान ली है। बहुत जल्द ही दूसरी जगह कूड़ेदान को शिफ्ट कर दिया जाएगा। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने शीघ्र कार्यवाही का क्षेत्रीय लोगों को भरोसा दिलाया है। लोगों ने मून टीवी के मिले सहयोग के लिए भी आभार जताया। विवम नगर में आकाशवाणी केंद्र के सामने नगर निगम द्वारा बनाए गए कूड़ेदान को लेकर काफी समय से क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश व्याप्त था, लेकिन शुक्रवार को नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल के हस्तक्षेप से समस्या का निराकरण हो गया। अब बहुत ही जल्दी कूड़ेदान को किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। शुक्रवार को नगर आयुक्त से मिलने आए प्रतिनिधिमंडल को नगर आयुक्त ने भरोसा दिलाया। आकाशवाणी केंद्र के सामने चौधरी गार्डन, अनंत गार्डन और कई गेट बंद कॉलोनियां हैं, जिनके ठीक सामने नगर निगम ने कुछ दिनों पूर्व कूड़ा घर बना दिया था, जिससे क्षेत्रीय लोगों का गंदगी और बदबू के कारण जीना दुभर हो गया था। क्षेत्र में चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। आए दिन नगर निगम और क्षेत्रीय लोगों में कूड़ेदान को हटाने को लेकर तनाव भी फैल रहा था। इस समस्या को मून टीवी ने भी प्रमुखता के साथ दिखाया था और क्षेत्रीय लोगों की समस्या के निराकरण का भरोसा भी दिलाया था, जो शुक्रवार को पूरी हो गई। और क्षेत्रीय लोग भी मून टीवी का आभार प्रकट कर रहे थे कि आज चैनल ने इस समस्या को दिखाया तो इतनी जल्दी यह कार्य हो गया, अन्यथा काफ़ी समय से परेशानी हो रही थी और कोई सुनने वाला नहीं था। क्षेत्रीय निवासी समाज सेविका आशा कपूर भी काफ़ी खुश नजर आईं और उन्होंने इसका सारा श्रेय मून टीवी को दिया और आभार जताया। नगर आयुक्त जी ने हमारी सारी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, हमारी फुटेज भी देखी और उन्होंने तुरंत इसको रिमूव करने के लिए ऑर्डर दे दिए ताकि ये सोमवार तक यहाँ से हटा दिया जाएगा। इससे हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने एक बार उनसे कहा और हमारी सारी मांगें उन्होंने पूर्ण कर दी। मैडम, आपके मून ने भी आपकी समस्या उठाई थी। मून ने हमारी इतनी अच्छी समस्या उठाई जो कि हमारे तीन बार न्यूज़ में हमारा ये काम सफल हो सका। उनके सौभाग्य से, उनके कार्य से हम बहुत खुश हैं। मैं बहुत खुश हूँ और मैं सदर बाजार के जो अध्यक्ष हैं आशा कपूर और व्यापार मंडल पुरुष नानी वो हमारे साथ में आए और नगर आयुक्त जी ने उन्होंने हमारी समस्याओं को सुनकर तुरंत इमीडिएट उन्होंने एक्शन लेने के लिए जो लिखकर दिया है, हम उससे बहुत खुश हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। प्लस हम मून चैनल वालों के तरफ भी आभार व्यक्त करते हैं जो उन्होंने हमारे तीन बार हम लोगों ने जो प्रयास किया है और पीछे नहीं हटे हैं, तो हम सबके आभारी हैं बहुत बहुत। इस अवसर पर क्षेत्रीय निवासी और व्यापार मंडल के पदाधिकारी जय पुरसनानी ने खुशी जताते हुए मून टीवी के सहयोग के लिए आभार जताया। और हमारी जो वहाँ की अध्यक्षता है आशा कपूर जी, जहाँ वो रेसिडेंस है उनका विवाह नगर में, तो वहाँ की कुछ समस्याएं थी, जैसे एक हत्ता घर बना हुआ है वहाँ पर, वहाँ कंटिन्यू कूड़ा डल रहा था, उनसे पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत परेशानी हो रही थी। तो उनकी समस्या के लिए मैंने नगर आयुक्त जी से समय लिया था, क्योंकि नगर आयुक्त काफ़ी सपोर्टिंग वाले हैं और सबको सपोर्ट करते हैं, तो हमने उनकी समस्या उनके आगे रखी। तो उन्होंने गत्ते के साथ साथ वहाँ शौचालय के अंदर की जो भारी गंदगी फैली हुई, गंदगी व्याप्त हो रही है, उसका भी तुरंत निराकरण किया और साथ में जितना भी अतिक्रमण हो रहा है वहाँ पर अलग से झोपड़ पट्टी बनी है और गलत लोग प्रवास कर रहे हैं वहाँ पर, परेशान कर रहे हैं क्षेत्र में, तो उनके लिए भी नगर आयुक्त ने तुरंत एक्शन लेते हुए उनको भी वहाँ से रिमूव करने के लिए कह दिया। और जो खत्ताघर है जिसकी मेन समस्या थी, उसको भी सोमवार तक तुरंत हटा दिया जाएगा। उन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश दे दिए। विवम नगर में कूड़ेदान को लेकर काफ़ी समय से तनाव चल रहा था। क्षेत्रीय लोग इतने परेशान हो गए थे कि घर छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन शुक्रवार को मून टीवी के सहयोग और नगर आयुक्त के आश्वासन के बाद क्षेत्रीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। क्षेत्र में फुटपाथ पर बैठे लोहा पीटा लोगों को भी हटाने की मांग क्षेत्रीय लोगों ने रखी। क्षेत्रीय लोगों का कहना था कि फुटपाथ पर लोहा पीटा लोगों द्वारा अतिक्रमण करने से दुर्घटना का खतरा बना रहता है। उस मांग को भी नगर आयुक्त ने मान लिया और शीघ्र ही उनको भी दूसरी जगह स्थानांतरित करने का आदेश कर दिया।